मंगलवार का दिन सुंदरनगर के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 45 करोड़ रुपए की सौगातों के साथ आया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडी जिला के सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में 45 करोड़ रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किए। मुख्यमंत्री ने 7.18 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले सुंदरनगर बिना सड़क, 2.85 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले हरा बाग में बागवानी विश्राम गृह, सुंदरनगर स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में 3.97 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले अतिरिक्त भवन के निर्माण पर 22.24 करोड़ रुपए की लागत से सुंदरनगर शहर के 11 वार्डों के 21,000 लोगों को लाभान्वित करने वाली उठाऊ सिंचाई योजना की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 1.2 करोड़ रुपए की लागत से बेलाखट पर निर्मित 19.75 मीटर लंबे स्पेन पुल, 1.4 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बागवानी विभाग के नए भवन तथा 3.3 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित उठाऊ पेयजल योजना प्लेहट का भी उद्घाटन किया। सुंदरनगर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में आज 7 बड़ी परियोजनाओं का विधिवत रूप से शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है, जो है माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर जयराम जी के वर्चुअल अभिभाषण से हुआ है। उसके लिए स्थानीय विधायक राकेश जम्वाल जी को ढेर सारी बधाई, हार्दिक बधाई, क्योंकि 45 करोड़ रुपया वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से हासिल करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि इस क्षेत्र के अंदर लगभग 500 करोड़ रुपए के काम चले हैं और उन 500 करोड़ के कामों में से 200 करोड़ के काम जो है वो जल शक्ति विभाग के हैं और 100 करोड़ के काम जो है लोक निर्माण विभाग के हैं। बाकी जो 200 करोड़ के काम है वो दूसरे अन्य जो विभाग हैं उनके माध्यम से हैं। आज से पिछले जितने भी कार्यकाल रहे हैं जिन जिन विधायकों के, अगर उसके साथ तुलना की जाए तो मैं ऐसा समझता हूँ कि 2.5 वर्ष का कार्यकाल ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में और यहाँ के स्थानीय विधायक राकेश जम्वाल जी के अथक प्रयासों से जो है वो उन सभी कार्यकालों के ऊपर जो है वो भारी पड़ेगा। इस बल हिमाचल के लिए सुंदरनगर से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट।